हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सिम की रेसिपी। सिम को इंग्लिश में बीन्स भी कहा जाता है। शायद आपको ये बात नहीं पता होगा, लेकिन इसे बीन्स भी कहा जाता है। इंग्लिश में बीन्स, हिंदी में सिम और हमारे उड़िया में सेमी। तो आप इसे किस नाम से जानते हो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को देख लेते हैं। सो गाइस, सीम की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सीम। और ये मैंने लिया है 200 से 300 ग्राम सीम। और साइड से हम इसका जो छिलका रहता है, ये देखिए रस्सी टाइप का कैसे निकल रहा है, इसे हम निकाल लेंगे। दोनों साइड से हमें अच्छे से निकाल लेना है। और फिर हम बीच में से देखेंगे, चेक करेंगे कि अंदर कोई कीड़ा लगा है कि नहीं। तो अगर साफ होगा तो फिर हम उसे सब्जी बना सकते हैं। तो चलिए और एक मैं साफ करके दिखाती हूँ। तो अभी ये सीजन का है, तो इसमें कोई भी कीड़ा अभी तक नहीं लगा हुआ है। जैसे ही सीजन ख़त्म होने लगता है सिम का, तो इसमें थोड़ा कीड़ा लगने लगता है। तो आप अच्छे से चेक करके बाद में इसका सब्जी बनाइए। मैंने अच्छे से इसे छील लिया है, साफ भी कर लिया है। तो चलिए इसका छिलका को हम साइड में कर लेते हैं। और फिर ये सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ टमाटर, इसे मैं कट कर लूँगी। हमें रफली चॉप करना है, छोटे छोटे पीसेस में, ज़्यादा चॉप नहीं करना है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने 3 से 4 टमाटर लिया है। फिर लेंगे हम एक बैंगन, और बैंगन को भी हम कट कर लेंगे। और बैंगन का हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा पीस नहीं करेंगे उसका। तो मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, तो आप अच्छे से देख लीजिए। और बैंगन को भी हम अच्छे से चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई कीड़ा लगा है कि नहीं लगा है। सो गाइस, मैंने बैंगन को भी अच्छे से कट कर लिया है। तो चलिए एक बर्तन चढ़ा लेते हैं, और उसमें मैंने पानी डाल दिया है, 2 से 3 गिलास पानी। और उसमें मैं डाल रही हूँ सीम। और इसको डालने के बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी कटा हुआ बैंगन, और इसे हम ढक के पका लेंगे। अच्छे से बॉईल कर लेंगे जब तक कि हमारा बैंगन और सीम अच्छे से पक ना जाए। ये देखिए अभी अच्छे से पका नहीं है, इसे 5 मिनट और लगने वाला है। तो चलिए ढक्कन लगा लेते हैं, और ढक्कन को हम 10 मिनट तक लगा के रख देंगे, और 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो अभी मेरा बैंगन और सीम जो है अच्छे से पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। मेरा सिम तो रेडी है, अच्छे से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो आप थोड़ा सा अपने हाथों की मदद से ऐसे दबा कर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिम जो है और बैंगन वो सॉफ्ट हो चुका है कि नहीं। तो अभी चलिए उसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच राई, धनिया का पत्ता, कुछ कलिए लहसुन के, और 2 टुकड़े सूखी मिर्च। इसे मैं मिक्सी में पानी डाल के पीस लूँगी। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई लगा लेते हैं, चढ़ा लेते हैं, और उसके ऊपर हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद हम डालेंगे राई यानी कि सरसों। इसे अच्छे से पप होने के लिए छोड़ देंगे, यानी के लिए चटकने के लिए छोड़ देंगे। और फिर ये जब पप हो जाएगा, इसके ऊपर हम डाल देंगे कुछ सूखी हुई लाल मिर्च और कुछ कटे हुए लहसुन की कलियाँ। जैसे ही हमारा लहसुन रेड कलर का हो जाएगा, इसके ऊपर हम टमाटर डालेंगे। सो गाइस, चलिए डाल देते हैं टमाटर। टमाटर डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसे हम मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। और हमारा जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम इसे ढककर पका लेंगे। तो चलिए एक ढक्कन लगा लेते हैं, और 2 से 3 मिनट के बाद हम ढक्कन निकाल के देखते हैं। हमारा जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम पेस्ट डालेंगे। इसमें मैंने डाला था 2 चम्मच सरसों, कुछ टुकड़े लहसुन की कलियाँ, 2 सूखी लाल मिर्च,
और कुछ धनिया का पत्ता और इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था। तो उसका ये पेस्ट है, इसको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं भूनेंगे, बस 5 मिनट के लिए ही भूनेंगे। अभी लेंगे हमारा सीम, इसको हम छान लेंगे एक छन्नी की मदद से। और इसको छानने के बाद हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर से हम इसे ढक के 5 मिनट तक पका लेंगे। तो चलिए ढक्कन लगा लेते हैं। मेरा 5 मिनट अभी पूरा हो चुका है, तो चलिए ढक्कन निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। सो गाइस, मेरे सीम तो बनके तैयार है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है सीम को बनाना और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। आपने अगर कभी भी सीम का सब्ज़ी नहीं खाया है, नहीं बनाया है, तो ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। और अभी ये बनके तैयार तो है, लेकिन इसके ऊपर छौंक लगाना बाकी है। तो चलिए छौंक लगाते हैं। मैंने लिया है थोड़ा सा तेल, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सरसों, कुछ टुकड़े लहसुन की कलियाँ मैंने डाला है और एक सूखी लाल मिर्च, और फिर इसे छौंक लगा लूँगी। सो गाइस, आज का वीडियो अगर आप सबको पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूले। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं मेरी और एक न्यू एंड सिंपल रेसिपी के साथ।